बिहार सीमा पर वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र की सालवत गांव में जगलाल के घर में चल रही अवैध नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यहां से करीब 10 लाख रुपए की नकली शराब बरामद करने के अलावा तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन एक सूचना के आधार पर हंटरगंज इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर छापा मारने का निर्देश दिया। वशिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने सालवत गांव स्थित जगलाल गंजू के घर पर छापा मारा। घर में अवैध रूप से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री मिली। पुलिस ने यहां से रॉयल स्टैग कंपनी की 375 ml की 24 बोतल नकली शराब, मैकडॉवेल कंपनी की 375 ml की 24 बोतल, इंपीरियल ब्लू कंपनी की 375 ml की 120 बोतल, स्टर्लिंग रिजर्व बी 7 कंपनी की 375 ml की 48 बोतल, विभिन्न अंग्रेजी शराब कंपनियों के 2500 से अधिक, ढक्कन रॉयल चैलेंज कंपनी 250 रैपर व स्टीकर, स्टर्लिंग रिजर्व बी 7 कंपनी की 750 रैपर व स्टीकर, रॉयल स्टैग कंपनी की 1000 रैपर व स्टीकर, 21,000 में बंद अर्ध निर्मित नकली 630 लीटर नकली जहरीली शराब, शराब स्टॉक के लिए रखे 30 ब्लू रंग का खाली जार और 30 अलग अलग प्लास्टिक बोरे में बंद विभिन्न आकार का 1900 शराब की खाली बोतल व 700 ग्राम केमिकल युक्त पदार्थ बरामद किए। बताया गया कि यहां से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की आपूर्ति की जाती थी। इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि अंतर्राज्यीय शराब तस्कर जगलाल गंजू के खपरैल वाले घर में अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। माँ गायत्री गारमेंट्स मल्टी ब्रांडेड शोरूम, सभी प्रकार के जींस, शर्ट, बाबा सूट, कोट, पैंट, शेरवानी, लेडीज कुर्ती, प्लाजो, फैंसी गाउन सूट, क्रॉप टॉप एवं फैंसी मिडी का अनुपम संग्रह। आर गुप्ता के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा।